गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम टू द सोशियोलॉजी क्लास। कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड हाउ अनटचेबल पीपल सर्वाइव इन द सोसाइटी एंड द स्टोरी ऑफ नारायण अम्मा, हार्ड ब्रेकिंग स्टोरी है ना। एंड टूडे वी विल कंटिन्यू इट। सो द सो कॉल्ड अनटचेबल्स वर बीन रेफर्ड टू कलेक्टिवली बाय मैनी नेम्स ओवर द सेंचुरीज। सेंचुरीज तक जो अनटचेबल पीपल थे उनको नेम्स के, बहुत सारे नेम्स के द्वारा बुलाया जाता था। जैसे कि कल हमने स्टोरी में पढ़ा था नारायण अम्मा को, जो म्युनिसिपैलिटी वर्कर थी तो उनको म्युनिसिपैलिटी के ही नाम से बुलाते थे, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके के जो हम कह सकते हैं इंसल्टिंग नेम थे वो उनके लिए यूज किए जाते थे। महात्मा गांधी हैड पॉपुलराइज द टर्म हरिजन इन द 1930s टू काउंटर द पेजोरेटिव चार्ज कैरीड बाय कास्ट नेम्स। लेकिन महात्मा गांधी थे, उन्होंने उन्हें किस नाम से पॉपुलर किया? हरिजन के नाम से, लिटरली चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि हरिजन यानी कि जो भगवान के बच्चे हैं, ठीक है ना। 1930 में किसके अगेंस्ट, जो कि उनको अपमानजनक जो पेजोरेटिव चार्ज जो उन्हें दिए गए थे ना, जो इंसल्टिंग वर्ड्स जो उनको उनके ऊपर पुट कर दिए गए थे, उनको हटाने के लिए और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी ने जो लोग थे जो अनटचेबल्स थे उनको क्या नाम दिया? हरिजन नाम दिया, है ना। हाउएवर द एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज एंड देयर लीडर्स हैव कॉइन अनदर टर्म दलित, विच इज नाउ the generally accepted term for referring to these groups। और लेकिन बाद में जो untouchable people की जो community थी उनके जो leaders थे उन्होंने क्या नाम दिया अपने इसका, उसको दलित नेम दिया, है ना। और जो बाद में सभी groups ने accept भी कर लिया। In Indian language the term दलित literally means downtrodden and conveys the sense of oppressed people। इसका क्या मतलब? दलित यानी कि जिनको दबाया जा रहा है, जो कि डाउन ट्रोडन है और जो कि सोसाइटी में जिनको क्या किया गया है, अप्रेस्ड किया गया है ना, जो कि अप्रेस्ड पीपल हैं, जो कि सोसाइटी में जिनके साथ स्ट्रेटिफिकेशन में क्या किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ऐसे लोग हैं जिनको दलित कहा गया है, ठीक है, डेप्रिवेशन का जो शिकार है। दो इट वॉज नाइदर कॉइन बाय डॉक्टर अम्बेडकर नॉर फ्रिक्वेंटली यूज बाय हिम। सो दिस वर्ड इज नॉट कॉइन बाय डॉक्टर अम्बेडकर और फ्रिक्वेंटली उनके द्वारा यूज भी नहीं किया गया कि बार बार उन्होंने शब्द का यूज किया है। द टर्म्स सर्टेनली रिसोनेट्स विद हिज फिलोसफी एंड द मूवमेंट फॉर एम्पावरमेंट दैट ही लेड। लेकिन ये जो टर्म थी दलित टर्म जो दी गई थी इन लोगों को, ये उनकी जो फिलॉसफी थी जो उस कास्ट को लेकर एम्पावरमेंट के लिए थी उसको शो करती है ये टर्म दलित, है ना। इट रिसीव्ड वाइड करेंसी ड्यूरिंग द कास्ट राइट्स इन मुंबई इन द अर्ली 1917। लेकिन ये जो टर्म थी दलित, वो जब मुंबई में 1917 में दलित जो रिवेल्ट्स हुए, जो दलित जो को लेकर जो आंदोलन हुए, जो उन्होंने अपनी जो उतने दिन से वो ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन को झेलते हुए आ रहे थे, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने अपने लिए आंदोलन करे, मूवमेंट्स करे, उसमें ये टर्म काफी यूज हुई। द दलित पैंथर्स आर रेडिकल ग्रुप दैट इमर्ज इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम यूज द टर्म टू एसर्ट दियर आइडेंटिटी एज पार्ट ऑफ दियर स्ट्रगल फॉर राइट्स एंड डिग्निटी। और जब 1970 में ही जब वेस्टर्न इंडिया में क्या हुए, बहुत ज्यादा
मूवमेंट्स हुए दलित्स को, दलित जो थे लोग उन्होंने मूवमेंट्स किए, तो दलित पैंथर्स करके एक रेडिकल ग्रुप क्या मर्ज हुआ, जिस जो किसके लिए वो कर रहा था, अपने किसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने स्ट्रगल के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो दलित से उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं अब हम नहीं सहेंगे, स्टॉप, है ना, उन्होंने कह दिया कि नाउ स्टॉप, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, है ना, अब हम ये नहीं सहेंगे। और किसका नेतृत्व था इसमें, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। और जब ये दलित मूवमेंट्स होने लगे तो जो गवर्नमेंट थी उसने भी इनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, है ना, स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट गवर्नमेंट नॉन स्टेट ने इनिशिएटिव लिए किसके लिए, कास्ट और ट्राइब के डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेट करने के लिए। द इंडियन स्टेट हैड स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट सिंस इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले ही जो वो इंडियन स्टेट थी उसने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक शेड्यूल बनाई गई, शेड्यूल होती है एक अनुसूची जिसको हम लिस्ट भी कह सकते हैं, है ना, एक लिस्ट बनाई गई ऐसे लोगों की जो कि जिनके साथ जो कि डिप्राइव थे, जिनके साथ इतने दिनों से ये सब कुछ चलता आ रहा था, उन लोगों की जो कि जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकली सोशली सब तरीके से पिछड़े हुए थे, सब तरीके से उनको सब तरीके से डिप्राइव थे, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई गई। और इसमें ट्राइब्स की अलग लिस्ट थी और जो शेड्यूल कास्ट थे उनकी अलग लिस्ट थी, है ना। द शेड्यूल लिस्टिंग द कास्ट एंड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज एज डिजर्विंग ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ द मैसिव डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस अगेंस्ट देम वर ड्रॉन अप इन 1935 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। 1935 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक शेड्यूल बनाई गई, लिस्टिंग किया गया ऐसी कास्ट को, ऐसी ट्राइब्स को बहुत दिन से जो क्या झेल रही थी, मैसिव डिस्क्रिमिनेशन को झेल रही थी, और एक स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब उनको मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, है ना, इन 1935 क्या, ठीक है ना, कि भाई उनको अब ऐसा लगने लगा था कि जो ये जो कि मूवमेंट्स वो लोग भी कर रहे थे, तो उनको अब ये लगने लगा था कि वाकई में ये जो लोग हैं इतने दिन से इस भेदभाव को झेल रहे हैं तो इनको अब एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो उन्होंने उनके लिए कुछ जो इनिशिएटिव से वो लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम पॉलिसीज हैव बीन कंटिन्यूड एंड मैनी न्यू वंस एडेड। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो ये चलाई गई थी ये पॉलिसीज उनके लिए वो चलती रही और कुछ इसमें कुछ नई एडेड हो गई। अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशन इज द एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस सिंस द अर्ली 90s। इसमें जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्राम था वो ये था जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, यानी कि जिसे हम इन्हें ओबीसी कहते हैं, जब कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें आती है ना एससी एसटी ओबीसी जनरल, जिसमें ओबीसी कास्ट है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब हम कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट हमने देख पता है, हमें शेड्यूल ट्राइब्स भी हमें पता है, तो व्हाट इज ओबीसी। ओबीसी भी कुछ ऐसी कास्ट थी जो कि जो जिनके साथ इतना जो अनटचेबल तो नहीं थी, है ना, लेकिन उनको भी जो वो भी इकोनॉमिक रूप से और सोशली उससे जो सोसाइटी है उसमें बैकवर्ड थी, जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी वो क्या थी, उनको वो क्या करती थी, जो जो हैंडमेड वर्क होता था, हैंडमेड वर्क यानी कि जो जैसे कि जो पॉटर्स हुआ करते थे या फिर जो ये जो वेवर्स हुआ करते थे, है ना, वेवर्स हुए, पॉटर्स हुए या फिर गोल्ड स्मिथ हुए, ये सब बैकवर्ड कास्ट में, और भी बहुत सारी जो है कास्ट है वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट इनिशिएटिव अटेम्प्टिंग टू कैम्पेंसेट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज द वन पॉपुलरली नोन एज रिजर्वेशन। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसके लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस भी हुए,
वो कौन सा था जो ये जो कास्ट है इतना डिस्क्रिमिनेशन झेलती हुई आ रही थी, वो कौन सा था? वो था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन दिया गया इन लोगों को कि किस चीज में, जॉब्स में, जो गवर्नमेंट जॉब थी उनमें दिया गया, और जो एजुकेशन है उसमें दिया गया, सब चीजों में इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। दिस इन्वॉल्व्स द सेटिंग असाइड ऑफ सम प्लेसेस और सीट्स फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। और कुछ चीजों में, कुछ कहीं के स्थानों पर, मतलब कहने का ये है कि इनके लिए, इनके मेंबर्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते तो एसटी की सीट्स इतनी हैं, यहाँ पे किसी प्रोफेसर की जॉब के लिए ही हमने फॉर्म फिल करने जाते हैं जब, तो देखते हैं कि अच्छा जनरल के लिए इतनी सीट्स हैं, ओबीसी के लिए इतनी सीट्स हैं, एससी के लिए इतनी सीट्स हैं और एसटी के लिए इतनी सीट्स हैं, है ना। और कुछ तो रिजर्व होती हैं कि ये एससी और एसटी के लिए ही हैं, है ना। तो ये इनके लिए किया गया। दीज इंक्लूड रिजर्वेशन सीट्स इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स। और कुछ सीट इनकी कहाँ, वो जो कि सेंट्रल विधानसभा थी, असेंबलीज थी, है ना, राज्यसभा जैसे है, लोकसभाएं हमारे यहाँ, उसमें फिक्स कर दी है। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज। और कहाँ कहाँ रिजर्वेशन मिला इन्हें, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिला, कुछ पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वहां भी इनको रिजर्वेशन मिला। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इनको रिजर्वेशन मिला। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली इन लोगों के लिए कुछ कह सकते हैं कि प्रावधान बनाए गए थे, उनमें से मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। किसी के कोई भी, अगर किसी जैसे होटल में जा रहा है या फिर किसी सिनेमा हॉल में जा रहा है, किसी शॉप पे जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि सार्वजनिक है, जिसको सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजों को लेकर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया। आर्टिकल 16 में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स थी उनमें इन लोगों को सुविधाएं प्रदान की गई, रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी है उसको क्या कह दिया गया कि एक क्राइम है अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी को लेकर बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव भरा हुआ बिहेव करता है, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जो आर्टिकल 29 है उसमें जितनी भी वो है शिक्षा संस्थाएं हैं या धर्म है या रिलीजन है, कास्ट है, कलर है, रेस है, इस चीजों, ये इन सब चीजों पर क्या लगाता है, रोक लगाता है कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर लोगों के साथ उनके रिलीजन, कास्ट, कलर को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आर्टिकल 38 सभी लोगों को समान, जो हमारी कंट्री है उसमें समान अधिकार देता है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों को क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा कि अगर इनके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, इनके साथ कोई गलत वो हो रही है, तो सरकार द्वारा उनको संरक्षित किया जाएगा, है ना। और जो अनटचेबिलिटी अधिनियम जो ये लेके आए थे 1955 में, उसमें क्या था, उसको और इन्फोर्स करने के लिए, फोर्सफुली उसको लागू करने के लिए, जिससे कि लोग इस चीज को लेकर डरे, लोग किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें, तो ऐसा करने वाले लोगों को 6 मंथ्स का पनिशमेंट था, यानी कि 6 मंथ्स की उनको जेल में हो सकती थी और 500 का उनको जो फाइन था वो देने के का प्रावधान लागू किया गया, ठीक है। लेकिन कह सकते हैं कि जब तक सोसाइटी अपने आप इन चीजों के को लेकर अवेयर ना हो, तब तक लोग जो खुद इस चीज को, इस बिहेवियर को झेल रहे हैं, वो इस चीज को लेकर अवेयर ना हो, तो स्टेट एक्शन अलोन कैन नॉट इंश्योर सोशल चेंज, है ना। फ्रॉम द प्री इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स लॉन्च बाय पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, आदिदास, पेरियार, अम्बेडकर एंड अदर्स,
फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन लोगों का काफी कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, काफी मूवमेंट्स इन लोगों ने लॉन्च किए उस टाइम पर। बच्चों ये जो सेक्शन है ना, ये मैं आपको बोलूंगी ठीक से इसको रीड कीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो आपके एमसीक्यूज हैं उसके लिए काफी वैल्यूएबल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी दलित जो कह सकते हैं लीडर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे ज्योतिबा फूले है, पेरियार है, अम्बेडकर है, ये क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं वेरी शॉर्ट में जो एमसीक्यू है उसमें, है ना। और साथ साथ इसमें देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि दलित से रिलेटेड हैं वो भी हैं, है ना, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश और दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका, दलित पॉलिटिकल एसर्शन हैज केम अलोंग वे, ठीक है। इस तरीके जैसे ये है ना, बहुजन समाज पार्टी हुई उत्तर प्रदेश की, दलित संघर्ष समिति हुआ कर्नाटका, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। दलित हैव ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर इन सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, स्पेशली मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। देखो यहाँ इसमें देखो दलित पॉइट्स का भी नाम दिया हुआ है, मराठी दलित पॉइट दया पवार। तो ये आप अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज के लिए काफी सारे क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं कि जो दलित, जिनमें दलित को लेकर चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए गए हैं वो सब भी आप एक बार लिख लीजिएगा। लिसन स्टूडेंट्स, इट इज योर होमवर्क, find and list all the articles and sections that deal with the scheduled caste and tribes or with caste related problems like untouchability, theek hai। You can make a chart of the most important laws and put them up in your class। ye to nahi karna hai aapko, lekin bas aapko ek chart copy mein hi banana hai apni, theek hai, jisme articles sections hain उन लॉज को लेके जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को लेकर बनाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, ठीक है। इससे आपको ये हेल्प होगी कि जब आप रिवीजन करोगे ना तो वो सारे सेक्शंस और एकदम से आप उनको रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो जय हिंद, बाय बाय, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।